कभी सीएम योगी के खास है सुनील सिंह सपा में शामिल होने के बाद बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। अब उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। सुनील सिंह के मुताबिक बीजेपी समाज में जहर घोलने का काम कर रही है, लेकिन अब नौजवान उसके आईना दिखाना का काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये देश दुर्गा और काली का देश है, रानी लक्ष्मीबाई का देश है। इस देश की माताएं और बहनें बीते 2 महीने से लगातार सड़कों पर सत्याग्रह कर रही हैं और ये सत्याग्रह बीजेपी के काले कानून के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि नौजवानों की टोली शाहीन बाग में भी जाएगी, लखनऊ के घंटाघर भी जाएगी और आजमगढ़ के बिलियारगंज भी जाएगी और उन माताओं और बहनों को सल्यूट करेंगे जो मोदी सरकार के काले कानून और समाज को तोड़ने वाले कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सेकुलर भारत का नागरिक होने के नाते, जिस सेकुलर भारत का एक संभ्रांत निवासी होने के नाते, भारत का धर्मनिरपेक्ष भारत का नागरिक होने के नाते मेरी अंतरात्मा की आवाज है। हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे हैं और जाकर के जिन पर लाठीचार्ज हुआ है, जो घटना वहां घटी है, उस घटना के लोगों से मिल करके और अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, और उस पर पार्टी जो भी निर्णय लेगी उस निर्णय के अनुसार हम लोगों को काम करना है।